इस एन स्क्रीन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा 16:9 रेशियो में, और यहाँ पे मैं अपना इमेज इंपोर्ट कर लूँगा। ये इमेज रॉयल्टी फ्री इमेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको मैं 20 सेकेंड के लिए इस तरह से एक्सटेंड कर लूँगा, ओके। एंड उसके बाद मैं पैन एंड जूम में चला जाऊँगा और इस तरह से इमेज को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा ताकि स्क्रीन को बिल्कुल कवर कर ले, और मैं इक्वल में क्लिक करूँगा यहाँ पे, परफेक्ट। और अभी मैं इस इमेज का जो कलर है उसको एडजस्ट करूँगा, ओके। तो आप इमेज को सिलेक्ट कर लें और एडजस्टमेंट में जाएं। बेसिकली मेरा मोटिव है कि इस इमेज का जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ ताकि जो सामने वाला एलिमेंट हो ज़्यादा प्रोमिनेंट या ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे। और अभी मैं यहाँ पे एक हैंडराइटिंग लेयर ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज, आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद शेप में मैं एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और उसको मैं इस तरह से रिसाइज करके सही से प्लेस कर लूँगा यहाँ पे, ओके। जिस तरह का एनिमेशन मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। और उसके बाद जो ये हैंडराइटिंग लेयर है उसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा 20 सेकेंड तक। और अभी जो ये लेयर है उसको हमें एनिमेट करना है, उसके लिए की में क्लिक करें और इस तरह से आप की फ्रेम ऐड करें। अभी फर्स्ट की फ्रेम में जाएं और इस बॉक्स को इस तरह से बाहर की तरफ ड्रैग करें, तो देखिए एक सिंपल सा एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ओके, परफेक्ट। अभी ये एनिमेशन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है आप प्लेहेड को वहाँ पर लेके जाएं और वहाँ पर हम अपना दूसरा जो एलिमेंट है, मतलब जो स्क्वायर्स हैं जहाँ पे हमें अपने वीडियोस प्लेस करना होगा, ऐसे स्क्वायर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। और फिर से आप हैंडराइटिंग में जाएं, लेकिन इस बार आप यहाँ पे सॉलिड स्क्वायर की जगह आउटलाइन वाला स्क्वायर सिलेक्ट करें, ओके। कलर मैं यहाँ पे सेम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं अपना रेक्टेंगुलर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा और उसको अच्छे से प्लेस कर लूँगा यहाँ पे, ओके। और टाइमलाइन को भी मैं एक्सटेंड करके 20 सेकेंड तक एक्सटेंड कर लूँगा। तो अभी इस बॉक्स को मुझे एनिमेट करना है, उसके लिए बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और इन एनिमेशन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे स्लाइड अप एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो अलग अलग जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप अप्लाई करके देखें और आपके पसंद के हिसाब से आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड अप जो एनिमेशन है उसको ऐड कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है और अभी मैं इस लेयर को डुप्लिकेट कर लूँगा, ओके, क्योंकि मुझे दो वीडियोस के लिए स्क्वायर बनाना है। और अभी इस नए लेयर को मैं ड्रैग करके फर्स्ट स्क्वायर के नीचे इस तरह से प्लेस कर लूँगा, ओके। बिल्कुल अलाइन करके आप प्लेस करें, लेकिन यहाँ पे दोनों जो स्क्वायर है उसका एनिमेशन सेम है, इसलिए जो सेकंड स्क्वायर है उसका इन एनिमेशन मैं चेंज करूँगा और उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैं एनिमेट करूँगा, मतलब स्लाइड डाउन जो इफ़ेक्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। एक बार हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे हमें अपना थर्ड एलिमेंट ऐड करना होगा जहाँ पे मैं अपना लोगो प्लेस करूँगा, और इसके लिए मैं फिर से हैंडराइटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर कलर चूज़ करूँगा वाइट, और यहाँ पर मैं जो सर्कल है वो सिलेक्ट कर लूँगा और उसको इस तरह से यहाँ पर बॉक्स के ऊपर मैं प्लेस कर लूँगा, ओके। और ये सर्कल का जो लेयर है उसको भी मैं 20 सेकेंड तक एक्सटेंड कर लूँगा और उसको सही से मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। और अभी जो ये सर्कल है उसको भी मुझे एनिमेट करना है और यहाँ पे मैं इन एनिमेशन ऐड करूँगा फेड, और एक बार हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। अभी हम लोगों को जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करना था वो हम लोग ऐड कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट, और जहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म होता है यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। और उसके लिए आप लेयर्स में जाएं और टेक्स्ट सिलेक्ट करें, क्लिक हियर टू सब्सक्राइब, और इसको मैं ऊपर की तरफ प्लेस कर लूँगा, तो उसको यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ और इसको भी मैं 20 सेकेंड तक इस तरह से एक्सटेंड कर लेता हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे क्लिक हियर टू सब्सक्राइब मैं अच्छे से प्लेस कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इन एनिमेशन ऐड करूँगा स्लाइड लेफ्ट, और एक बार प्ले करके देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक एरो ऐड करना है,
तो उसके लिए मैं लेयर्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं एक एरो यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा टाइमलाइन में 20 सेकेंड्स तक। और सिमिलरली इसमें भी मैं एनिमेशन ऐड करूँगा पॉप डाउन। ओके, और इसका टाइमिंग जो है एनिमेशन का वो आप एडजस्ट कर लें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे हमें सोशल मीडिया का जो टेक्स्ट है एंड जो आइकन है वो ऐड करने हैं, लेकिन जो टेक्स्ट का साइज़ एंड आइकन का साइज़ है वो बहुत छोटा है और उस साइज़ में यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत होगा क्योंकि जो फिंगर टिप होगा वो सही से आप नहीं प्लेस कर पाओगे। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। पहला जो फर्स्ट बॉक्स है उसका एक डुप्लीकेट लेयर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। सेकेंड जो की फ्रेम है उसको मॉडिफाई करके मैं इस तरह से एनिमेट कर लूँगा ताकि वो पूरा स्क्रीन कवर कर ले। ओके, और अभी मैं यहाँ पे सिंपली लेयर्स में जाऊँगा, एड टेक्स्ट में क्लिक करूँगा, स्लैश नो इन शॉर्ट यहाँ पे इस तरह से टाइप कर लूँगा। फॉन्ट मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ। और अभी हमें यहाँ पे वन बाय वन जो सोशल मीडिया आइकन्स है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक और ट्विटर का जो आइकन्स है वो प्लेस कर लूँगा वन बाय वन, और उसका साइज़ मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा और वन बाय वन मैं आइकन से ऐड करके उसको सही से यहाँ पे प्लेस करूँगा। और मैं अभी यहाँ पे कैप्चर एंड सेव करूँगा और उसको एक PNG की तरह मैं डिवाइस में सेव कर लूँगा। अभी ये जो डुप्लीकेट जो बॉक्स मैंने क्रिएट किया था एंड उसके साथ जो टेक्स्ट थे एंड जो आइकन्स थे सारे लेयर्स में वन बाय वन डिलीट कर लूँगा। और जो PNG मैंने अभी सेव किया था उसको यहाँ पे एज ए लेयर में यहाँ पे ऐड कर लूँगा। और अभी इस PNG को मैं क्रॉप करूँगा और इस PNG को मैं यहाँ पे सही से प्लेस कर लूँगा। और मैं इस लेयर में इन एनिमेशन ऐड करूँगा स्लाइड लेफ्ट। परफेक्ट, हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐड करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसके लिए मैं और एक टेक्स्ट लेयर यहाँ पे ऐड करूँगा और उसमें मैं टाइप कर लूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका फॉन्ट आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे जितने भी टैग्स ऐड कर रहा हूँ सबका फॉन्ट मैं सिमिलर रख रहा हूँ ताकि जो एनिमेशन हो वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखे। लेकिन यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा नीचे मैं इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, अच्छे से प्लेस कर लूँगा ताकि जो ओवरऑल एनिमेशन हो वो अच्छा दिखे। ओके, और इस लेयर को भी मैं एक्सटेंड कर लूँगा 20 सेकेंड्स तक। और यहाँ पे मैं इन एनिमेशन ऐड करूँगा स्लाइड डाउन। हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, और अभी जो मैंने इस एनिमेशन में सर्कल एंड जो रेक्टेंगुलर शेप ऐड किया था वहाँ पे मैं कुछ इमेजेस एंड अपना लोगो प्लेस कर लूँगा ताकि जो एनिमेशन हो वो ज़्यादा अच्छा दिखे। सबसे पहले मैं अपना लोगो यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन एनिमेशन यूज़ करूँगा फेड, देखिए। और ये सारे एलिमेंट्स जो है उसका प्लेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट पहला एनिमेशन ख़त्म होते होते आपको दूसरा एनिमेशन शुरू करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो लेयर्स होगा वो आपको प्लेस करना है तब ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ज़्यादा गैप होने पर भी आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और सिमिलरली मैं कुछ इमेजेस इन दोनों रेक्टेंगल्स में प्लेस कर लेता हूँ और वहाँ पे भी मैं फेड का इफेक्ट ऐड कर दूँगा, इन एनिमेशन ऐड कर दूँगा। और अभी इस पूरा एनिमेशन को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा एनिमेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह का एनिमेशन आप अपने चैनल के लिए क्रिएट ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।